वेलकम बैक टू द आर्ट सात्विक आर्ट स्टूडियो फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से एक वीडियो बनाया, जो कि एक डांसिंग गर्ल का है, जो कि मॉडलिंग पर्पस से बनाया है। और ये पिक्चर है जो कि दोस्तों चारकोल आर्ट में से मैंने चॉइस कर लिया है, पिंट्रेस्ट पे डाउनलोड किया है। तो देखिए मैं किस तरह से पिक्चर बनाता हूँ दोस्तों। अपनी कैमलिन की पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ और बहुत टाइम से मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाया था। मैंने सोचा ये वाला मैं अपनी नई ड्राइंग बुक में बना देता हूँ। तो दोस्तों ड्राइंग बुक है 150 GCM का, ये पेपर है जो कि A3 साइज़ में है, जो कि मेरा फेवरेट है। और मैं बेसिकली यही पेज ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ दोस्तों। और धीरे धीरे देखिए दोस्तों मैं उसको शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे उसके तो डार्क शेड हो गया, पूरा ब्लैक पिक्चर है दोस्तों। तो यहाँ पे उसके जो उसने जो फ्रॉक पहना हुआ है उसके अंदर भी मैं डार्क स्केचिंग कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद ब्लेंडिंग करना होता है, इसके अंदर ब्लेंडिंग मैंने नहीं किया है दोस्तों। पूरे पिक्चर के अंदर कहीं पे भी ब्लेंड नहीं करा हूँ। बिना ब्लेंडिंग के किस तरह पिक्चर बनाया जा सकता है देख सकते हैं आप लोग। स्लोली वर्क करना है दोस्तों, उसकी इफेक्ट बहुत अच्छी आती है। जितना स्लोली वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।
तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डार्क प्रेशर अप्लाई कर लिया है और पूरे पिक्चर के अंदर क्रीज बना दिया है। जिस तरह से लड़की का फ्रॉक एकदम ही खूबसूरत दिख रहा है, तो पिक्चर पूरी तरह से कंप्लीट मैंने कर दिया है दोस्तों। अब उसके बेस है जहाँ पे डार्क पोर्शन कर लेता हूँ थोड़ा, और 4B का इस्तेमाल कर रहा था मैं दोस्तों। ग्रेफाइट चलाने में मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों ज़्यादातर मुझे। मैं कभी भी ग्रेफाइट में, मैं ज़्यादातर कलर पिक्चर बनाता हूँ, लेकिन थोड़े दिनों से मुझे ऐसा लगा कि लाओ जरा ग्रेफाइट का ट्राई करते हैं, और ये पिक्चर कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो देखिए दोस्तों किस तरह की पिक्चर बनी है, मैंने अपनी सिग्नेचर भी बना दिया है, और जहाँ पे थोड़ा सा डार्क करना है वहाँ पे कर लेते हैं।